the summer? इधर ठीक है, इधर ठीक है, इधर ठीक है। हाँ, उधर तो ना तो फिर जरा रिफ्लेक्शन होंदा होना। सब सिगरेट मेरे मेरे साथ हो फेसबुक पे कबूतर बजी करा जोर मुझे ये जरा पकड़ जी ग्रुप्स में शेयर कर जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतर बाजी के राजू मुझ के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों जैसे आज स्टेटस अपडेट कर दिया था कि आज संडे स्पेशल में उस्ताद राना इमरान साहब जो निषाद क्लूनी वाले हैं उनकी तरफ ब्रीडर कबूतरों का शौक होगा और साथ में गुफ्तगू होगी कबूतर परवरी और कबूतर बाजी के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूँ, राना साहब माशाल्लाह बड़े ही मंझे हुए कबूतर परवर और कबूतर बाज है। मजा आया मुझे भी उनके साथ गुफ्तगू करके, तो आप लोग भी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे।
राना साहब के साथ गुफ्तगू को। यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि मैं काफ़ी देर के बाद, तकरीबन 2-3 महीने के बाद जो है ना वो लाइव आने का जो सिलसिला है दोबारा शुरू किया, तो ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्त शामिल हो सके। दोस्तों सेगमेंटाइज, आप लोगों को पता कि मैं सेगमेंट वाइज जो है ना वो वीडियो करता हूँ, तो आज भी वीडियो सेगमेंट वाइज ही होगी। राना साहब से कबूतर परवरी, कबूतरबाजी के ऊपर गुफ्तगू होगी और एंड पे जो है ना वो कबूतरों का शौक करवाऊंगा इनके साथ। मजे की वीडियो होने वाली है दोस्तों, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और दोस्त भी शामिल हो सके। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं बहुत कम जो है ना वो इस तरह का इंट्रो देता हूँ, लेकिन राना साहब के लिए इंट्रो सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि राना साहब खुद एक जो है ना वो माशाल्लाह बड़े ही जो है ना वो समझदार, यानी कि कबूतरों की आओ नाओ को जो है ना वो अच्छी तरह समझते हैं और समझ बूझ भी रखते हैं। तो दोस्तों आप टाइम ज़ाया किए बिना मैं चलता हूँ राना साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं? मैं ठीक सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कीमती स्केड्यूल में से, मसरूफ स्केड्यूल में से टाइम दिया। नहीं नहीं, तो कोई ऐसी बात नहीं। सर सुनाएं कैसा शौक चल? जी जी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा शौक चल रहा है जी। मौसम खुल गए हैं, पीछे सर्दी में तो काफ़ी मसला ही रहा जी कबूतरों को भी और हमें भी। पूरा एक महीना सर्दी? हाँ पूरा सर्दी ने ना काफ़ी कबूतरबाजी डिस्टर्ब की, अब तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का परिंदे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं जी, कबूतर खुश हैं। अच्छा राना साहब कैसे इस शौक में आए? शौक ये है कि ये समझ लें बचपन का शौक है, शुरू से ही बचपन से ही देखे कबूतर देखे हैं, तो कुदरती तौर पे अब्बा जी को जरा शौक था जानवरों का, तो इस सिलसिले में हमने इसी एरिया में ही रहे हैं। तो इस साहब के हमसाए थे, इधर ही डेरा था हमारे साथ ही, भैंस हमारी भी जो थी वो ये जगह भी चोई साहब से ही हमने ली थी, तो भैंस भी हमारी जो है वो चोई साहब के डेरे पे थी, तो उधर ही कबूतर शबूतर देखे सारे, तो उधर से अच्छे कबूतरों का शौक पड़ा और ऐसे स्कूल से आना आके उधर ही अब्बा जी के साथ हेल्प आउट करनी, तो शाम को दूध शूध लेके आ जाना इधर, तो इसी तरह चलते चलते कबूतरों के साथ खेलते रहे, उन्हें देखते रहे, ऐसे करते करते बस आज इस पोजिशन में पहुँच गए हैं। कब कबूतरों के बगैर दिल नहीं लगता, गुजारे ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं चले, आपने खुद ही जो है ना वो छेड़ दिया ये सिलसिला, ये जो चोसा वाले कबूतर थे जी जी, कैसे कबूतर ये बने? आप लोग आपके तो सामने होंगे चोसा के जो है ना वो कबूतरों के हवाले से मुख्तलिफ जो है ना वो आरा पाई जाती है, मुख्तलिफ लोग जो है ना वो मुख्तलिफ बातें करते हैं, आप तो चोसा के साथ रहे, ये कबूतर कैसे बने, किस तरह बने, क्या सिलसिला, जरा इस बारे में बताए, फिर जो है ना वो आपकी तरफ आता जी। कबूतर देखे जी चोसा वाले अच्छे है, हमने खुद शाम तक उठते देखे हैं, खुद घरों में उड़ाए हैं, ऐसे ही किसी के अच्छे कबूतर को देखें जी कसूर से ये कबूतर आए हुए हैं, ठीक है चोई साहब के अपने रिलेशन से तलक थे, पुराने कबूतर 88 से भी पहले के, 88 के टाइम के, 90 से पहले पहले के कबूतर हैं ये सारे, तो हमने वो देखे हैं जी कबूतर जब आए थे खुडों में आए हैं, खुडे अच्छे पिंजरे देखे, वैसे विंड शेड अपने पहले लोगों ने छोटे छोटे खुडों में रखे हुए थे, उधर विंड अच्छे बने, ये कबूतर उधर आए, हमने देखे कलसेरे टाइप कबूतर थे ये, तो लंगोटों वाले थे अंदर, कलसेरे सिलाइयों वाले थे, इस तरह ये कबूतर थे। अब आहिस्ता आहिस्ता अब जैसे पुराने होते गए बनते गए, अब देखें जी हर बंदे ने अपने नाम से लेके, लेकिन अच्छा जो ब्लड लाइन है वो अच्छी है, वो आज भी रिजल्ट वाले, अगर किसी के पास अच्छे हैं तो वो आज भी रिजल्ट देते हैं और पहले भी रिजल्ट देते थे। लाहौर में जितने हमने रूटीन में अपनी आंखों के सामने हमने कबूतरबाजी सारी देखी है और हमने इनको अच्छे टाइमों में बैठते देखा, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि चोई साहब वाले ही कबूतरों ने लाहौर के अंदर शामों का जो है ना वो जिक्र शुरू किया। हमने पहली दफा लाहौर में बाजियां जितनी हमने उड़ती देखी सारे देखे, आंधी तूफान देखे, उनके बाद कबूतर बैठते ही हमने इनके देखे, तो फिर हम इनको कैसे कह सकते हैं कि ये कबूतर गलत नहीं है, कबूतर माशाल्लाह अच्छे हैं, बहुत अच्छे कबूतर हैं। चोई साहब आप माशाल्लाह वर्ल्ड फेमस आदमी है, कोई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कबूतर उनके अच्छे हैं, हर चीज़ उनकी ठीक है, वो आगे से लोगों ने अपने नाम से बना लिए हैं, क्रॉस दे दिए हैं, वो कबूतर अपनी असल मेंटेनेंस में नहीं रहे, तो अब लोग अगर उनका रिजल्ट अच्छा ना आए तो लोग कहते हैं ले जी ये कबूतर अच्छे नहीं हैं, तो मेरा मतलब ब्लेम जो आगे चौधरी साहब वाले कबूतरों पर तो ना दें सारा, अब अपने भी तो कुछ थोड़ी सी मेहनत करें, वो कबूतर ऐसे नाम ले लेके जी उनसे आए हैं जी, तो फिर उनका भी मेरा मतलब है। मैं इसको चलो मैं थोड़ा सा ना ऐसे परसोनिफाई कर देता हूँ,
कि अगर मैं आपसे कोई कबूतर लेके जाता हूँ ना, उसे जब घर जाके जोड़ा लगाऊंगा ना, आपका अमल दखल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मेरा अपना अमल दखल शुरू होगा, मैं कैसा जोड़ा लगाता हूँ, मैं ठीक कबूतर की क्या जो ना वो डिमांड है उस हिसाब से जोड़ा लगाऊंगा तो अच्छा जोड़ा लगेगा ना। आपने जो बात की वो बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप बाद में ब्लेम मुझे ना ना दें कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो अगर हम कबूतर ले आते हैं आके अपनी मैनेजमेंट करते हैं, तो आप अपनी मैनेजमेंट करते हैं, आप जो हिसाब से लेके गए हैं या मेरे से लेके गए हैं, अगर उसका रिजल्ट नहीं आया तो आप कहेंगे जो हिसाब वाले कबूतर नहीं अच्छे या इमरान वाले कबूतर नहीं अच्छे, ये तो बात गलत है। ये बिल्कुल गलत। तो अगर आप मेरे से जोड़ा कहते हैं जी ये मैं आपको बताऊं कि आप इसको इसमें लगाएं, तो उसमें रिजल्ट में फर्क आए तो वो मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी। जब एक पेयर आप लगा के देंगे तो फिर आप वाले कबूतर प्रॉपर चलेंगे। तो हम अगर जिस वक्त हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो हम किसी का नाम नहीं लेते, जब रिजल्ट गलत आता है तो हम फौरी तौर पे कह देते हैं इनके कबूतरों का रिजल्ट नहीं अच्छा, इनके कबूतर घर नहीं बैठते, इनके कबूतर जाया हो जाते हैं इनके। देखिए जब आप प्रॉपर तरीके से इनको उड़ाएंगे नहीं, बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देंगे। अब देखिए हमने ऐसे ऐसे कबूतरबाज देखे हैं जो चार दिन कबूतर बांधते हैं, पांचवें दिन बच्चा खोल के तो उसे डंडा लेके तो और कपड़ा लेके पीछे पड़ जाते हैं। मुझे बताएं वो बच्चा वहां पे क्या करेगा। बच्चे को कम से कम अपने घर की उंच तो दें, उसे ये तो पता चले ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी रहने की जगह है, मैंने यहाँ पे दाना खाना है। जब तक मैं तो देखिए अपने घर में उड़ाता हूँ, मुझे मैंने तकरीबन कोई 20 बच्चा अपनी छत पे छोड़ा है, मेरी रेशो 99% है, मेरे सिर्फ दो बच्चे जाया हुए हैं, बाकी सारे बच्चे मेरे पास गिज गए। उनकी वजह ये है कि मैं उनको डंडे नहीं मारता, मैं उनको बच्चों को बांध के छोड़ देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता उनको ढीले करता हूँ। जब तक कोई बच्चा प्रॉपर गिड़ के नहीं बैठ जाता, मुझे टावर टावर फिर के जब मुझे पता होता है कि ये बच्चा अब घर का पक्का हुआ है, अब ये खोलेंगे तो जाया नहीं होता, उस बच्चे को खोला तो वो नहीं जाया हुआ। जो बच्चा उठते सारे बुलंदी पकड़ लेता है, लंबा चला जाता है, आप उसकी वापसी के चक्कर में बैठ जाएं और आप कहेंगे जी ये कबूतर का जोड़े नहीं ठीक या ये जोड़ा तोड़ दें, तो ये तो कोई कसूर बंदे का हुआ तो फिर बच्चे का तो कुछ बुरा ना हुआ। ना ना जी ना, बिल्कुल ऐसे। देखिए जी एक तो अच्छा जोड़ा लगाया जाए, दूसरा ट्रेनिंग अच्छी करवाए। ट्रेनिंग देखिए जी, ट्रेनिंग सबसे बड़ा वो इशू ही, बच्चे को उड़ाने के लिए तो ट्रेनिंग आपका सबसे, लाइटों पे आपने लगाना है, वो इसने पीछे से पढ़ के नहीं आना कि मैंने लाइटों पे उड़ना है। आपने उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो लग जाएगा। ये जो बातें हैं कि जी इस आंख वाला लाइट में नहीं बैठता, इस आंख वाला, ये बिल्कुल गलत। सर लाइट में ट्रेनिंग बैठती है? लाइट में ट्रेनिंग ने बैठना, किसी आंखें ने नहीं बैठना, किसी कुंदे ने नहीं बैठना। कि जब आपने अगर ट्रेनिंग उसको दी है, रात को कबूतर को पता है कि मेरा डर रात को उड़ने में नहीं है, लाइटों में मैंने बैठना है, वो लाइटों से नहीं डरता, आपके गेड़े का पक्का कबूतर है, वो हर सूरत में कबूतर आपका बैठ। बिल्कुल ऐसे है। वहां पे जाके आंखें किधर चली जाती हैं, वहां पे जाके पार किधर चला जाता है, वहां पे ये चीजें किधर चली जाती है, वो भी ट्रेनिंग ही सारा मैटर करती है। यही ट्रेनिंग आप बच्चा लगाने से पहले भी बच्चे को भी टाइम दें, बच्चे को ट्रेनिंग अच्छी करवाएं, बच्चा नहीं जाया होता। बाकी उड़ा के बच्चों को छोड़ के भगा देना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं या कोई नहीं जी। बच्चों को ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कम से कम 15-20 दिन ट्रेनिंग हो, उसके बाद जाना उन्हें बच्चे को खोला जाए। देखिए बच्चे को भी उस वक्त तक मैं तो देखें जाती तौर पर उस बच्चे को डंडा नहीं मारता जो बच्चा मेरे सामने बंदा वा कोई टावर टावर डेढ़ टावर फिर के घर ना बैठे, मैं उस वक्त तक उस बच्चे को ना ढाक लगाता हूँ ना बच्चे को खोलता। उसी बच्चे को मैंने खोलना जिसको मुझे यकीन होता है कि ये बच्चा अब खोलूंगा भी तो जाया नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आधा बच्चा कोई लगड़ ले गया या कोई जाया हो गया उसको नहीं, लेकिन 99% मेरे बच्चे बैठते हैं। और मैंने हर साल 20-25 बच्चे छोड़ने होते हैं चेतर के लिए, और मैंने उसी के साथ ही अपना चुप करके शो कर लेना होता है। लोगों की तरह 100-100 बच्चा, 50-50 बच्चा मैंने तो ना छोड़ा है और ना मेरे ऐसे होता है। ठीक हो गया। अच्छा राणा साहब, अब माशाल्लाह जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके बच्चे बहुत कम जाया होते हैं, और मैं इन कबूतरों का मैं भी शाहिद हूँ, मतलब मैं जानता हूँ ये कबूतर कहाँ से किस तरह चले, मेरे भी इलम है। तो जरा जो घर घर के पाबंद कबूतर होते हैं उनमें क्या क्या खसलतें होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए घर के पाबंद कबूतर का एक अच्छी फिटनेस उसकी हो, प्रॉपर तरीके से कबूतर का पर कुंदा अच्छा सिमेट्री में होना चाहिए। हमारे पास देखिए ऊपर उड़ रहे हैं, शाम तक बैठ रहे हैं, तकरीबन समझ लें कि हर दूसरा कबूतर का पार एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन उसकी ब्लड लाइन में फ़र्क है। हमारे लाखों के पार उड़ तरह के हैं, सियालकोटियों के पार उड़ तरह के हैं। मेरे पास जंगली कबूतर हैं जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त से मलिक बशीर साहब, उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हुए थे, उनके कबूतरों का पार कुंदा और है, टैडियों का पार कुंदा और है। अगर हम एक ही पार कुंदे को फोकस करके बैठेंगे कि ये ही पार अच्छा है, ये ही हड्डी अच्छी है, ये ही कुंदा अच्छा है, तो वो तो फिर लकीर के फकीर वाली बात हो जाती है ना। कॉपी टू कॉपी फोटो कापी वाली ये मशीन होती है,
जिसमें बंदा पर सेम टू सेम निकालता है। बाकी कबूतर का ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, कबूतर एक अच्छा होना चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर उसका मौसम के हिसाब से होना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा सा मौसम हड्डी जोड़ में कोई फर्क आ भी जाता है उसके जिस्म में, तो वो हल्के मौसम के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर कबूतर आपका प्रॉपर है वो ही हल्का आपको जेठ के लिए अच्छे गर्म मौसम के लिए काम नहीं देता, उसमें ये होगा वो एक फड़क दे देगा, उसके बाद वो 3-4 दिन कबूतर लेटा रहेगा, फिर वो प्रॉपर आएगा, फिर कबूतर उड़ेगा। लेकिन जो अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर का, अच्छी हड्डी का, अच्छे जिस्म का मालिक होता है 2-4 घंटे में वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, अपनी 12 घंटे की वो अपनी टाइम पीरियड लेता है, उसके बाद कबूतर को पता नहीं होता मैं उड़ के भी आया हूँ। अच्छा रण साहब, अक्सर साजाग्राम से ये मैंने कहते सुना यार इस तरह की हड्डी जोड़ बनाओ कि कबूतर घर आए और 15-20 मिनट आधे घंटे घंटे में जो है ना वो कबूतर फिट हो जाए, वो हड्डी किस तरह की? सर देखें बात ही होती है, हड्डी जो होती है ना उसका वापसी पे देखें कबूतर वापस आता है अपने दिमाग से, अपने ब्लड से। कबूतर का हड्डी के साथ वापस आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जोड़ के साथ उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैं नहीं इस चीज़ को मानता, बाकी मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि वो गलत कह रहा है, लेकिन मैं अपने घर में कबूतर उड़ा रहा हूँ। देखिए मेरे कबूतर, पहला कबूतर भी मेरा यहाँ पे 5 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे ऐसे पहला मेरा कबूतर बैठता है। और देखिए रात रह जाना, शाम को सामने आके कबूतरों का ना बैठना, वो उसमें मेरी गलती है, कबूतरों की गलती नहीं। उसमें मैंने देखा जी हड्डियाँ बैठ रही हैं कबूतरों की। अब हम एक हड्डी को कह के, कबूतर में दिमाग ही नहीं है, ब्लड लाइन नहीं है, कबूतर ने दिमाग से बैठना है, हड्डी से उतरना है, हड्डी से उसने सिर्फ मौसम की फाइट करनी है। हड्डी अच्छी, हड्डी का मतलब सिर्फ यही होता है कि खुदा ना खासा हवा चल जाए, तूफान आ जाए, अच्छी हड्डी का कबूतर जिसकी हड्डी बड़ी होती है, कबूतर का जिस्म जरा मजबूत होता है, वो हवा के साथ लड़ता है, दूर नहीं जाता और ज़ाया नहीं होता। बाकी आप ये कह दें कि हड्डी जो होती है वो बंद मौसम के अंदर सिर्फ हड्डी नहीं काम करना, वो मैं नहीं इतफाक करता इस बार। मेरे पास गोल हड्डी के भी उड़ रहे हैं, लंबी हड्डी के भी उड़ रहे हैं, कश्ती वाली हड्डी जिसे कहते हैं वो भी उड़ रहे हैं, छोटी हड्डी के भी उड़ रहे हैं, इसमें तो कोई वो नहीं। ब्लड लाइन के सर पे कबूतर हमारे बड़े अच्छे उड़ते हैं। अच्छा, जो अच्छा कबूतर होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज मौजूद होती हैं या होनी चाहिए जो जेठ की अगर बात की जाए तो? देखें जी, जेठ के लिए एक कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, अच्छे क्रॉस का वो बच्चा होना चाहिए, उसकी कम से कम भी कोई 8-10 घंटे की अपनी फड़क होनी चाहिए, कबूतर आके ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करे मालिक का, 1-2 घंटे के अंदर कबूतर अपने आप को प्रॉपर फ्रेश कर ले, दाना पानी खाए, अपना पोट शोट ना रोके, अपना जिस्म का वो पूरा होना चाहिए। देखिए लाहौर में हमारे पास ज़्यादा लंबी हड्डी के कबूतर नहीं उड़ते, क्योंकि बंद मौसमों के हमारे हवाओं वाले, लंबी हड्डी के कबूतर का हमेशा मैंने ये नोट किया है जहाँ पे हवाओं का रुझान ज़्यादा है, हवाएं ज़्यादा चलती हैं, सुबह भी चलती हैं, शाम को भी चलती हैं, उन एरियाज में कबूतर की हड्डी का कुशादा होना, बड़ा होना, किश्ती नमा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे लाहौर में कबूतर जो है वो एक नॉर्मल वेट में, ना उसकी हड्डी ज़्यादा बड़ी होती है और ना वो छोटी हड्डी का होता है, दरमियाने वजूद का कबूतर होता है और वो अच्छा होता है। ज़्यादा लंबा कुंदा भी, दरमियाना कुंदा हो कबूतर का, अच्छा पार हो, उसमें गैप कम हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं, ब्लड लाइन अच्छी हो, बाकी उड़ने के मामले में उसका तलक ही कौन नहीं है कलर के साथ कोई भी। मैंने तो देखे अपना एक्सपेरिमेंट ये किया। चले माशाल्लाह। अच्छा सर, आजकल परपटाई का सिलसिला चल रहा है, इस हवाले से मैं कुछ टिप दे दें कि परपटाई के दौरान कबूतर की देखभाल कैसे करनी चाहिए? देखिए जी, हम तो परपटाई जो है वो पर खींचने से पहले कबूतरों की डिपेंडिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको कैल्शियम वगैरह दे दी है, उनको वाइटामिन वगैरह दिए हैं, फिर उनके पर जो हमने बैसाख में उड़ाने हैं उनके हमने पर वगैरह खींच दिए हैं, अब वो माशाल्लाह चप्पों से थोड़े थोड़े छोटे हैं, पर उनके गुल्लों से निकल आए हैं। बाकी ये है कि हमने उनको प्रॉपर भोरे शोरे सुबह दे रहे हैं, शाम को मोटा दाना उनको अच्छा दे रहे हैं, तो टिप यही होती है जी, अच्छे कबूतर को पटाई के दौरान आंबा हल्दी लेते हैं, उसको कोई 4 किलो ऑयल सरसों का खालिश ले के उसमें आंबा हल्दी फेंक लेते हैं, उसको हल्की आँच पे पकाना शुरू कर देते हैं। जब वो आंबा हल्दी नीचे डूबी होती है, जब वो बिल्कुल पकौड़ों की तरह तल के ऊपर आ जाती है, तो चूल्हा हम बंद कर देते हैं। ठंडा करने के बाद हम उनको ना ऑयल को बोतलों में डाल लेते हैं, और जो ना जब भोरे किए हैं, भोरों के अंदर ऑयल डाला है, उसको अच्छी तरह मिला के, तो अच्छी तरह जब जज़ब कर लेते हैं भोरे, तो फिर उनको कोई आधा घंटा घंटा वेट करवा के तो कबूतरों को दिए हैं। माशाल्लाह उनके पर भी अच्छे आते हैं, पर रुकते भी नहीं हैं, कोई खुदा ना खासा
कोई गुल्ला कच्चा खींचा जाता है वो भी प्रॉपर आ जाता है, पर भी रेशम की तरह होते हैं, कबूतर भी अच्छे वेट में आ रहे होते हैं, फिर कबूतर अंदर से जरा तार हो जाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि आगे जाके कबूतरों ने तार होना नहीं है, फिर जब के तार हुए कबूतर जो होते हैं वही जाके आगे परफॉर्मेंस देते हैं, कोई खुदा ना खासा मौसम की हो जाए, कोई मालक की वजह से कोई कमी पेशी हो जाती है, कोई खुराक में हो जाती है, कोई मेडिसिन में हो जाती है, तो कबूतर प्रॉपर उसको बर्दाश्त कर देता है। अगर हमने मेरा मतलब आज फटक दे के कबूतर आया उस वक्त उसको भोरे डालने हैं तो वो फिर किस काम के भोरे होते हैं, वो चीज़ तो वही है जो पहले से उसने खाई हो वही उसके काम आनी है। तो हमने तो इस तरीके से ही ऑयल को लेके चलते हैं और काफ़ी पुराना इसको यूज़ कर रहे हैं इस ऑयल को, तो माशाल्लाह कबूतर अच्छे रेशम की तरह। अच्छा सर, ये जो हल्दी और अंबा हल्दी है जी, जी इनमें थोड़ा सा फर्क तो मैं बता रहा हूं जी। एक तो हल्दी है खाने वाली है कि नॉर्मल है, अंबा हल्दी जो होती है ये पंसारी से मिलेगी, इसका ये फर्क होता है कि ये कबूतर जब आप उसको तेल में वो करते हैं तो ये कबूतर आप खींचते हैं उनकी पेन का मसला, एंटीबायोटिक भी होती है उसका मसला भी सॉल्व हो जाता है, कबूतर कमज़ोर नहीं होता, कबूतर खींचने के दौरान कबूतर अपने आप को दर्द महसूस नहीं करता, ये चीज़ें सारी इसका इसका तो मैंने ये बताया कि ये ऑयल के अंदर अच्छा रिजल्ट देता है, ऑयल के अंदर अच्छा। हाँ जी, सरसों के तेल में इसको वो बनाना चाहिए। अच्छा सर, इसके अलावा जब कबूतर मतलब फिरतों में लगा देते हैं तो लगाने के बाद खुराक कब तक इस्तेमाल करनी चाहिए, कि अक्सर ये दोस्त सवाल करते हैं जी खुराक कब शुरू करें, कब खुराक देनी चाहिए और किस तरह की खुराक देनी चाहिए? देखिए जी, खुराक यही है कि जी कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बादाम जो है ना उन्हें क्रश कर लेते हैं मशीन में, क्रश करके भोरों के अंदर मिक्स करके नॉर्मल जब कबूतर बाहर निकाल रहे होते हैं उस वक्त डालते हैं, जरा प्रॉपर जो खुराक है वो उस वक्त तक नहीं देनी चाहिए जब तक कबूतर अपने आप को बिल्कुल निचोड़ के ना बैठे। जब कबूतर अपने आप को निचोड़ के बैठता है और आप देखते हैं जी कबूतर, अब एक कबूतर होता है जोर लगा के निचोड़ना, एक कबूतर होता है प्रॉपर फड़क में जाके अपने आप को निचोड़ता है, और जो कबूतर बिल्कुल सूख जाता है वो ये देखें नए कबूतर आज निकालते हैं वो ऊपर जाके फूल जाता है, वो कहीं जाके जनाजी वाकई कर गया जा पहुंचा तो वो फिर देख के कहते हैं ये कबूतर तो वाकई बैठ गया, हालांकि वो वाकई नहीं बैठा होता, वो तो बैठा होता है चारा रुलने की वजह से। जब वो कबूतर एक प्रॉपर आसमान जाता है गर्मी में टाइम करता है बैठता है, पीछे जो अपनी पीली बीटे वाइट बीटे स्टार्ट कर देता है, फिर आपने उसको खुराक स्टार्ट कर, फिर वो खुराक पे चलना, फिर अगर आप ये कहेंगे ये भोरों पे चले या ये दाने पे चले तो वो तो बाप के सर पे है, कबूतर के वगने के बाद आपने कबूतर को लेके चलना, फिर कबूतर ने नहीं चलना, फिर मालक चले, फिर मालक ने चलना, मालक उसको जितनी खुराक दे सकता है उतनी उसको दे, जितनी वो मांगता है उसको दे, कबूतर जब तक खुराक उसकी फिट नहीं होगी, कबूतर अपना प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होगा, वो अपनी फड़क नहीं बढ़ाएगा, वो अपनी फड़क डाउन ही लेता जाएगा, ये तो मालक के ऊपर ही डिपेंड करता है, फिर कारागरी चलनी, फिर कबूतर का कसूर कोई नहीं, फिर मालक ने उसको संभालना। अगर सर्द मतलब गर्मी है फुल टेम्परेचर में डेट की बात करें तो उसमें उस वक्त खुराक किस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए, सादी इस्तेमाल करते हैं? देखें रूटीन में तो एक खुराक बंदा दे ही रहा होता है, रेस्ट वाले दिन बंदा सेंट्रम भी डाल लेते हैं, लोग आइडियल पिल्स भी डाल लेते हैं, इस तरह करके काफ़ी मेडिसिन है जो ताकत के लिए यूज़ कर, लेकिन देखें कबूतर आए को अगर आपने खुराक उस दिन देनी है तो आपने शुरू में उसको दो चार गोलियाँ सादी दें, बिल्कुल सादी खुराक पर लेके जाएँ। ये देखें मैं तो खुराक में ना तो ये मिर्चें लोग डाल रहे हैं, ये चीज़ें डाल रहे हैं, मनक्का डाल रहे हैं, मोटी इलायचियाँ डाल रहे हैं। देखिए मोटी इलायची की ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर जोर लगा के आपका आया, आपने उसको गर्म रखना है, आप शाम को दो दाने तीन दाने एक गोली में बनाएं और वो गोली बना के उस कबूतर को दे दें, मोटी इलायची एक मोटी इलायची की दो फी कबूतर के लिए दो इलायची के दाने बहुत होते हैं, वो आप उसी वक्त उसको पीसें, एक गोली आपके पास जो बनी है उसको उसके अंदर मिक्स कर लें और चुप करके कबूतर को रात को दें 8-9 बजे और कबूतर को एक गोली दे के कबूतर को छोड़ दें, कबूतर फिट हो जाएगा। तो लेकिन कबूतर को ज़्यादा कोशिश करें कि वो सादा खुराक दे, सादा खुराक पे, यानी कि खुराक के अंदर कुछ नहीं डालना। नहीं, खुराक के अंदर आप डालें, रेस्ट वाले दिन आप सेंट्रम डाल लें, आप उसमें अंदर। अच्छा, सेंट्रम भी बड़ी किस्म की है? सेंट्रम हम तो देखिए खुद जो घर यूज करते हैं हम सेंट्रम एडवांस करते हैं, सेंट्रम एडवांस करते हैं, वो सुरख कलर वाली जो गोली है, सुरख कलर वाली, इसमें हल्का तो येलो कलर भी आ रहा होता है कभी और रेड कलर की भी आ रही है, बाकी ये जो गोल्ड है या कोई सिल्वर सिल्वर है ये बस ऐसे ही है बातें।
बाकी वही विटामिंस है, वही मिनरल्स है, वही सारी चीजें हैं, बस नाम ऊपर। अच्छा, ये सात कबूतरों के लिए अगर हम सेंटर में इस्तेमाल करें तो कितनी करेंगे? सात कबूतरों में हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सात कबूतरों को आधी गोली से स्टार्ट करते हैं और साथ बाद में इसको एक गोली पर फिर लेके जाते हैं। ठीक है, जब पक्की रूटीन में कबूतर पक्की फड़कों में चढ़ जाता है तो रेस्ट वाले दिन उसको सुबह की जो पहली खुराक होती है वो हम देते हैं इसको एक गोली पूरी सात कबूतर। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो रेस्ट वाली खुराक हो गई, रेस्ट वाले दिन। अच्छा, इसके अलावा दोस्त जो है ना, वो आपने वो बंटे भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब आइडियल पिल्स जो है ना वो आप खुराक में डाल के दे दें तभी। किस कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, आइडियल पिल्स जो है ना वो तो आपके कबूतर पे डिपेंड करता है, आपका कबूतर किस तरह का। अगर आपका कबूतर इस तरह का है कि उसे जिस्म का अच्छा है, हर चीज का अच्छा है, आप उसे आधी गोली दे दें। सात कबूतरों में कितनी गोलियां अंदाजन देनी? सात गोली कम से कम भी जो है ना, अच्छी फड़कों में कबूतर गर्म मौसम में आ रहे हो, कबूतर ज्यादा वीक हो रहे हो, तो आप सात कबूतरों को चार गोलियां दे सकते हैं। सात कबूतरों को चार चार गोलियां दे सकते हैं। ठीक हो। अच्छा, इसके जो आइडियल पिल्स, इसके इस्तेमाल का यानी कि खुराक जल्दी हजम कर जाते हैं? खुराक जल्दी हजम कर जाता है, कबूतर फिट जल्दी हो जाता है, कबूतर बीट अपनी अच्छी कर लेता है, तो सफाई उसकी अच्छी हो जाती है, हाजमा उसका अच्छा चलता है। खुराक उसके बाद जो दो वो गोलियां इस्तेमाल करने के बाद जब आप खुराक देते हैं तो उसे बड़ी तेजी से वो डाइजेस्ट कर हजम कर जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला मरहला आ जाता है जो है ना, वो ब्रूद मारने का। देखिए, ब्रूद तो उसी कबूतर को मारना है ना जो कबूतर। नहीं जी, आज सर ब्रूद भी दसो तो मिठी गोली भी दसो ना जी। बात है कि ब्रूद तो देखें जी, ब्रूद जो होता है ना वो तो अगर खाली ब्रूद मार लें तो फिर तो कबूतर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हाँ, मजाइल अगर आपको थोड़े से तरीके से चलाएं तो फिर कबूतर भी घर बैठ जाते हैं। देखिए जी, हम तो अपना एक बनाते हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, ये दोस्तों की नजर करने लगे हैं। दोस्तों, मैं राणा साहब, दोस्तों आप लोगों की नजर एक नुस्खा करने लगे हैं उड़ाने वाला, जरा नोट कर लीजिएगा इसे। देखिए जी, हम कबूतर जो है ना, आप देखें जी, दृश्य जो जो अच्छी होती है ना, साफ सुथरे दृश्य, उसकी डंडियां उतार के जो मोटे दाने होते हैं ना, वो आपने ले लेने हैं 45 दाने दृश्य, 45 दाने आपने दृश्य के ले लेने हैं। उसके अंदर आपने एक डेल्टा कॉटरी डाल दें, ठीक है, एक मोटी बॉल डाल दें, ठीक है, एक आप डेस्का मेथासोन की गोली डाल दें। आप इसको मिक्स कर लें पहले पाउडर को, बाद में उसके अंदर आप ये दाने मिक्स कर लें। उसके बाद आपने मसर के दाने से स्टार्ट करने हैं प्रॉपर तरीके से कबूतर, और उसको आपने ज्यादा से ज्यादा चने की दाल के बराबर उसको लेके जाना। पहले आपने मसर के दाने से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने उसको जब तीन चार दफा वो लग जाएगी कबूतर, आपको आपको दूसरी दफा ये पता चल जाएगा कि मेरा कबूतर इस खुराक को एडजस्ट कर गया कि नहीं, क्योंकि वो फौरी तौर पे कबूतर आपका टाइम खुद ही ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा, हिट करेगा कबूतर। जिस वक्त आप उसको चने की दाने की देंगे तो वो इंशाल्लाह ताला, मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो 5-6 घंटे का वाया मार जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये देनी किस टाइम होती है? ये हम देते हैं जी गर्म पानी के साथ रात को। रात को कितने बजे? रात को तकरीबन कोई 9:30-10 बजे। 9:30-10 बजे अगर कबूतर की हिट करवानी हो तो फिर क्या करना? आप हिट करवानी है तो आपने उसके अंदर आधी गोली जो है वो मॉडर्न की भी मिक्स कर ले, ठीक है। उसके बाद आप कबूतर आपका पक्का होना चाहिए और कबूतर आपका प्रॉपर घर बैठने वाला होना चाहिए, जैसे आप समझते हैं कि ये कबूतर मेरा पक्का पुराना कबूतर है घर बैठा। आप उसको हिट कराएंगे इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है कि कबूतर हिट बड़ी अच्छी उठाता है। लेकिन देखें, बात यह है कि उसको आपने एक वीक पहले इसको लगा के चेक कर लेना पहले से, उसके बाद आपने पूरा वीक उसको सादी खुराक देनी है। उसके बाद आपने उसको जैसे ही हिट करानी है उसने फौरी तौर पे अपना जोर पूरा लगा दे। ये किसका नुस्खा जरा बता दे? देखिए, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मलक बशीर साहब, ये उनका नुस्खा था, तो उन्होंने हमें लिख के भी दिया था, हमने उनकी डायरियों से भी उसको कॉपी किया। यानी कि मलक साहब की डायरी आपके पास? बस समझ गए, डायरी मेरे पास ही है। तो वो करके तो हमने इसको इस्तेमाल किया, तो देखें जी, हमें तो उसका बड़ा मजा। हिट हमने करवानी हो तो हम इसी नुस्खे को लेके जाते हैं। एक दफा फिर रिपीट करते हैं। देखिए, आपने 50 दाने ले लेने हैं दृश्य के, उसके अंदर आपने डेल्टा काटरी एक डाल लेनी है, एक मोटी बाल डाल लेनी है, एक डेस्का मेथासोन डाल लेनी है, पाउडर मिक्स करके उसके अंदर ये दृश्य डाल के दाने, तो अच्छी तरह उसको मिक्स करके उसकी पेस्ट बन जाएगी।
एक मजूम टाइप बन जाएगा, उसमें से आपने मसर के दाने जितने निकाल के कबूतर को देनी फिर है। तो मैं चेक जरूर करना, चेक करना फिर तो ये ना बाजी वाले दिन जा लगा बाजी नहीं, आपने उसको पहले ही चेक कर लेना, कम से कम एक वीक पहले आपने अपने कबूतर चेक कर लेने हैं कि मेरा ये कबूतर इस मेडिसिन को उठा गया। वो देखें जी, आपको दूसरी फड़क पे पता चल जाएगा कि ये कबूतर इस मेडिसिन को उठा गया, वो ऑटोमेटिकली कबूतर बढ़ के बैठेगा। ठीक हो जो कबूतर फिर इस मेडिसिन का ये फायदा है कि इसमें कबूतर अगर आसमान से आता है ना तो वो आके फौरी बैठता नहीं है, आके वो हिटे मारता है। जो कबूतर आपका रुक के वापस जाए आप इस बात को समझ जाएंगे ये कबूतर हमारा इस गोली के ऊपर एडजस्ट कर गया, लग गया, आप जैसे ही उसकी मकदार बढ़ाएंगे वो कबूतर फौरी तौर पर हिट मार जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये तो हो गया हिट का, अब ये फार्मूला में प्यारों में इस्तेमाल करना चाहिए कि सात बाजियों में या पांच बाजियों में? नहीं, ये आपने प्यारों में इस्तेमाल करना, प्यारों में इस्तेमाल, इसको प्यारों में इस्तेमाल करना है। देखिए प्यारों के लिए, क्योंकि कबूतर अगर आपका जोर लगा के भी बैठ जाता है, लेकिन जब आपने हिट करानी है तो कबूतर ने वीक होना ही होना, उसने एक दिन के अंदर कबूतर ने प्रॉपर, उसे कम से कम दो रेस्टें चाहिए। लेकिन बाजियों में ये नहीं, बाजियों में ये है कि आप उसको देसी पे लेके जाए, फिर फार्मूले बम्ब शम्ब पहना लेके जाए, मिसाइल नहीं मारना, मिसाइल नहीं, फिर बाजियों में मिसाइल को नहीं, लेकिन प्यारों में मिसाइल चल जाते हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो आपने फार्मूला बताया, इसको वापसी पे अगर हमने कबूतर के अंदर से डिफ्यूज करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए भी कुछ हमारी राय नहीं? आपका कबूतर आता है, आपने उसे नीम गर्म पानी, कबूतर को आगे जो दो चार पाँच मिनट कबूतर रेस्ट करता है, आपने फौरी तौर पर उसको रेस्ट करानी है। जैसे ही कबूतर चल के आता है, नीचे आता है, आपने नीम गर्म पानी उस कबूतर के आगे रख देना, उसको एक दफा पीने दें जितना पीता है। जैसे ही वो अपना पूरा पानी पी लेता है, आपने उस कबूतर को पकड़ना, बाहर ला के आराम से उसका सारा पानी निकाल देना, यानी कि फौरन निकाल दे पीने के बाद के कुछ 5-10 मिनट, बस आपने छोड़ना है कबूतर रिलैक्स होके दो चार कदम चले, चल के जब खड़ा हो जाए कबूतर और अपना जरा पोट शोट सीधा करे, आपने उसको आराम से पकड़ के लाना है, ला के उसका प्यार से सारा पानी निकाल देना। उसके बाद आपने उसको दो चार मिनट के लिए छोड़ देना वैसे ही। उसके बाद आपने ना दूध ले लेना, अगर आपको बकरी का मिल जाए, आपने 5 सीसी इसको दूध मार दो, वो 5 सीसी दूध 15-20 मिनट के अंदर चला जाएगा। जैसे ही वो चला जाएगा, बस उसके बाद आप वो ऑटोमेटिकली कबूतर दाना मांगना शुरू कर देगा, भोरे डालें, खुराक डालें, उसे थोड़ी सी दे के रूटीन मैटर में जो देते हैं वो दे के, तो उसको पानी शानी दें, वो अपना पानी शानी पूरा करे, उसके बाद आप कबूतर फिट हो जाएगा। 2-3 घंटे में कबूतर को पता नहीं होगा मैं उड़ के भी आया हूँ। ठीक हो। अच्छा चलो कुछ सानू देसी नुस्खा भी दस, चलो आज लग गया दस नुस्खा दे। देखो जी देसी नुस्खा तो है ये कि असी ते मजून ही बनाने हैं, साडे दोस्त जी ने उन्होंने सानू इन्हां दा दस्या मजून जिहड़ी असी तैयार करने हैं जी, मनक्का छुआरा। मनक्का किन्ने अदद? सर मनक्का तुसी लै लो 15 अदद मनक्के लै लो। ठीक है, ओहदे विच एक खजूर लै लो, जिहड़ा छुआरा लै लो, एक अद्द छुआरा लै लो, ओहदी गिटक कट दिओ, ओहदे विच जनाब जी तुसी जिहदे नाल दड़ा मिर्च ओह बिलकुल कोई 2 चुटकी ओहदे विच पाओ, ओहदे विच तुसी ना ज़ाफ़रान जिहड़ी ना ओह तकरीबन कोई 15 कतीले ओह विच पा लैणा। उस तो बाद ओहदे विच 5 लौंग लै के ओहदी टोपी जिहड़ी है ना ला लैणी, सिर्फ टोपी पानी है, सिर्फ टोपी पानी, टोपी जिहड़ी ओह पा के ते बाकी जिहड़ी ओहदी डंडी ओह सुट देणी। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਹਾਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਛੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੇਪ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਥਾਪੀਆਂ ਗੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਟਾ ਜਲ ਜਾਏ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਉਹ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਛੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੁਹਾਰੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅੱਛੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨਾ। ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਗੋਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬਿਠਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਲਓ,
लेकिन नॉर्मल काली मिर्च के दाने, नॉर्मल काली मिर्च के दाने ठीक हो गया। बादाम की गोली च रख के दे दियो गर्म पानी के नाल, ओनू तुसी कैप्सूल च पा के दे दियो जिस तरह तुसी मुनासिब समझ ऐ तो तुसी अपने कबूतर दे एडजस्ट करने है। कबूतर ठंडा करना पड़ता कबूतर पंगे लेने चाहिए सड़ना कबूतर ने सिर्फ थोड़ी तो अगर कबूतर ज्यादा देर आके बैठ गया छाते पानी ओनू नहीं टाइम से मिले तद ओने सड़ जाना या कबूतर मेडिकल लगी और नहीं थोड़े को संभलिया तद सड़ गया दो ही तीन शुरुआत ही होंगी इन्होंने अलावा तो कबूतर ने नहीं गर्मी नाल कबूतर नहीं सड़ते हैं कबूतर थोड़ी कमी पेशी की वजह से सड़ते हैं बाकी वह तरीका जो सब तो बेस्ट तरीका जी मैं तो आई है कबूतर रेस्ट तो कबूतर ठंडा ठंडा कर लेना चाहिए ठंडा कबूतर कर लेना चाहिए तुम ओनू दृष्क का पानी बना के दे दी बनाई दृष्क लैके पांच दाने लै लो पांच दाने लैके अच्छी तरह मैश कर लो दो तीन दाने जो ने सब्ज लाची लाची दे पा लवो ओनू अच्छी तरह रगड़ के ओनू बकरी के दुध च मिक्स कर लो मिक्स कर लो करके तो ओनू मार दो उस बाद कबूतर जरा इन्होंने खुराक जी मोटा दाना बिल्कुल बंद कर दो कबूतर सादी बिल्कुल नॉर्मल सादी खुराक के लैके फिर कबूतर ने अगों प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यह खुराक रूटीन च देनी है ठीक है यानी कि अज भी देनी है कल भी देनी है परसों भी देना उड़ के आने तो बाद जो सैटल होंगे उदो भी तुम इन देनी है तो वह कबूतर तकरीबन कोई चार पाँच फटक मायूस करेगा उस बाद कबूतर प्रॉपर हो जाएगा जब तुम जोर लगाओगे तो फिर वह बेचारा बाहर ही जाएगा ठीक है। अच्छा सर अगर कुछ कबूतर जो पोर्ट नहीं चलाते सर पोर्ट चलान दिया भी ना काफ़ी वजूहत ने कबूतर बीमार हो गया कोई वायरस आ गया तब भी पोर्ट रोक देता कबूतर का तो बेहतरीन तो देसी देसी हल यही होंगे कि कबूतर थोड़ा जैवें ही आके पोर्ट रोकता तुम उन्होंने फौरी तौर पर पुराना गुड़ जड़ा ना वनू तकरीबन कोई चने के दाने जड़ा दियो अगर तो वेद चला जाता है तो मेरे कागजा तो बहुत बेस्ट है नहीं तो दे जी देसी हर्बल हैगा वे कोलिक ड्रॉप्स होंगे ने वह हाजमे वास्ते कबूतर तकरीबन पांच ड्रॉप तुम कबूतर दे भी कबूतर लेकिन वह है कि पानी नहीं कबूतर पीन देना फौरी तौर पर पोर्ट का बिल्कुल खाली कर लेना दे देना कोलिक दे देना वह जो हजम कर लेगा उस बाद कबूतर अगर पानी भी पीए तो उन्होंने नॉर्मल नॉर्मल पीन देना ठीक एकदम भर के पोर्ट पानी नहीं पीन देना फिर नहीं चलाएगा। अच्छा रन साहब सानू अपने लाल अखियां का शौक तो करवाओ एदो जो नर दिखाया जे सामने बैठी हुई है वो सामने ऊपर हाँ ये देखिए मुझे ये कबूतर दोस्तों बड़े ही पसंद आया माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट इस कबूतर का माशाल्लाह बड़े एंटीक नायाब कबूतर हैं राना साहब के पास देना कबूतर का बैलेंस शैलेंस हर चीज माशाल्लाह। हाजी वाजिद खान साहब बहुत कम नजर आते हैं ऐसे कबूतर माशाल्लाह सर पूरा कबूतर जरा देखो
ले जी ये पट्टी है इसी कबूतर की। हाजी साहब इसी कबूतर की ये पट्टी है, शौक करें इसका। माशाल्लाह ये पल्ला देखिए, साले वो गोल्डन पकड़ो माशाल्लाह, लंबी नोक वाला नहीं वो सामने नीचे कालू शाहपुरियों के नीचे। सर तुहाडे को बांके कबूतर भी आने? जी जी लो जी मोहम्मद इरफान साहब तुसी सही कह रहे हो, मेनू नहीं ने बहाए फिर। माशाल्लाह क्या बात है, ये देखिए ये देखिए राणा अरसलान साहब सलाम दे रहे हैं जी आपको। सलाम ले जी माशाल्लाह। हाजी बाजी साहब सतवें पर दा की फैक्टर होंदा है सानू भी दस दियो। ये देखिए जी माशा सतवां पर की करदा को सानू भी दसो। चलो साडे चलो बड़े रिंग वाले भी पकड़ ये माशाल्लाह। ये देखिए गफार अली दावड़ साहब माशाल्लाह जी बिल्कुल। हाजी बाजी साहब कुछ सानू भी दसो ना सतवें पर दा की फैक्टर होंदा है, मैनू तो इन्नी समझ आई अज तक कबूतरबाजी दी, सतवां अठवां नौवां ते दसवां नेड़े नेड़े होने चाहिए ने बस। ये माशाल्लाह क्या बात है जी, ट्रेल देखे दोस्तों माशाल्लाह। ये देखिए एंटीक पिजन माशाल्लाह। सर इन पंजे जरा सर ओके चलिए। बटनों के नीचे नहीं है कबूतर जो चार का आपके यहाँ इधर वाली पहली वाली बटनों के नीचे उसके जो नीचे नीचे वाला जोड़ा को ये देखिए उसका नर पकड़ सिर्फ अंडे दिए हैं दोनों ने ध्यान से। हाजी साहब मेनू पता हो तो मैं दरबदार हो ले बगैर जूम के भी आंख देखे इसकी माशाल्लाह। सरपट जो पार में खुद पकड़ते हुए दूसरा पर हो माशाल्लाह। ये देखिए ये जैसे कबूतर खूबसूरत वैसे मेरा दोस्त भी खूबसूरत, राणा साहब भी बड़े अच्छे इंसान माशाल्लाह। ओके जी
लें जी ऐसा भी आपके लिए कबूतर। अरे ये इधर इधर वाला कोना जो है ना, इधर वाला ये हाँ, ये वो लाल कड़ी वाला कबूतर बड़ा कोना का, एक पाँव में, एक पाँव में नीली और वो कड़ी है, नीली और खट्टी सी है। ये जी कापको में लगे हैं, राणा साहब ने भी मेरी तरह कापको में लगाए हैं, बच्चे बड़े अच्छे पलते हैं, क्यों राणा साहब? हाँ जी, कापको में बच्चे बहुत अच्छे पलते हैं। बच्चे का ये भी पता होता है कि जी पेड़ इसी के इसी का है, क्वांटिटी डाल आ गया। हाँ भाई, सबसे बड़ी जो चीज है ना, बड़ी चीज उसी जोड़े के बच्चे हैं। ये ना, ये पारे इन्होंने पकड़ा। हाँ जी, उम्र में कबूतर से जरा दिखाए इस कबूतर को, हाथ ऊपर करके थोड़ा सा, ये देखिए माशाल्लाह। थले रखो एक बारी, हुण ना ए इंज करके इंदी जरा दूसरी अख सब देखो, अख दिखा ली अभी। ये देखिए क्लास है माशाल्लाह। ओके जी, देखिए दोस्तों माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए ठीक बर्ड्स हैं माशाल्लाह, छड़ बिल्कुल ओके। नहीं अभी पहले डबल है, तसलसल कंटिन्यूटी रहेगी, दोनों ही बड़े। ये जी डबल है,
नौ काप के नहीं जो नौ काप के हैं जो उनमें सबसे ऊपर वाले जो तीन काप है ना सेंटर वाली में से सबसे ऊपर वाली जो सेंटर वाली है ना उसमें से नरला क्या बात साले वो बड़ा कबूतर पकड़ हीरा लाल जो बड़ा कबूतर है सुनहरी गर्दन वाला नहीं जो इधर ग्रीन कड़ी वाला इस साइड भी बैठता है बड़ा जो ले ली मादी के साथ लगा हुआ क्या बात है इमरान भी ये कौन से वाले कबूतर है ये वाला कमगरों में से बना हुआ ये वाला हाँ जी ये नहीं जो डब वाला कमगर है इन्हीं में से निकले हुए हैं जी लेकिन ये बड़ा अच्छा परफॉर्मर कबूतर है बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका ये देखिए दोस्तों बगल देखिए इसके क्या बात
ये जो मलक साहब वाला सिख वाला कबूतर बड़ा, अच्छा सिख वाला, सिख वाला जो सिख कबूतर बड़ा ये मेन ही है, ये खुद बड़ा है कबूतर। हाँ जी, बड़ा सिख वाला ये। जी जी, ये सिख वाला कबूतर। क्या बात है, इधर ना सिख वाला क्यों रखा है? नहीं अब मलिक साहब कहते सी कोई सिखा ले कबूतर ने या कसूरों ले आंदे सी उन्होंने, बस ऐसी भी ऐसे तक ही जाना पता है इधर ना ही सिखा ले सी लाल रखा दिया कबूतर से। मैं कहा चलो बहुत अच्छा, लेकिन बड़े अच्छे रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। जो लेवल ही नहीं मिली, काले पल्ले हैं मादी के, काले पल्ले वो नहीं बैठी सामने नीचे। दोस्तों इमरान भाई बड़ी अच्छी पेयरिंग करते हैं यार, कबूतर आगे लेके चलते बड़ा अच्छा। माशाल्लाह ये बड़ी मादी है। जी ये बड़ी मादी। ये देखें दोस्तों दूसरा पति का, जंगली जंगली हमें दो जो इधर से दिखाए थे ना वो दो दिखा दें, अब अपनी मर्जी आप कर सकते हैं। इधर नीचे बैठा हुआ दोस्तों अभी जो कबूतर दिखाने लगे हैं ना इमरान भाई के रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, जंगली कबूतर है बड़े अच्छे रिजल्ट है माशाल्लाह। और कम लोगों ने ये कबूतर देखे ना, ये मलिक बशीर साहब वाले कबूतर हैं इनके पास, और इनके रिजल्ट भी बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। नहीं जी आपने आँख नहीं दिखानी, पूरा कबूतर पकड़ के रखना आपने से लगता। ये देखिए ये बड़े ही शानदार कबूतर, ये दोस्तों देखिए ये वो कबूतर है जो हर कबूतरों में शामिल है। देखने अब दिखाएंगे
के चेहरे मोरे आम कबूतरों से बड़े मुख्तलिफ हैं। जूम इन बाद में करता हूँ, पहले जरा मोरा देखें। बड़े नायाब कबूतर ना दोस्तों, काबक से छोड़ा है सर और जरा खराब हुआ। उधर वाला भी पकड़ो, ये देखिए सर जर्ची भी थोड़े को आई सी। जर्चियां दे विच दो पीस आए सी, उन्हां विचों एक पीस मेरे को पिया होया वे जर्चियां चो भी सुने वो भी बड़े उठते सन। हाँ उठते बड़े सी, लेकिन पी लखियां दी वजह तो फिर लखियां दी वजह तो उन्हां ने फिर असी कोई इतना स्टेबल नहीं आगे कीता, फिर उन्होंने बस जिथे आए ने उथे जो गिरा। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। जी इन्हों दोनों पठिया का भाव इन्हों दो हाँ जी इधर रंग ला बड़ा तो है जरा यार सिरा वो मैं लिया पैना। ये देखिए ये दोस्तों क्रीज में भी कबूतर माशाल्लाह दिखाओ जरा क्रीज। ये देखिए दोस्तों नायाब कबूतर है ये। ओके दोस्तों अभी जो कबूतर आने लगा ना, ऐसे कबूतर सालों में कभी कभी बनते हैं, पैदा होते हैं। बहुत बड़ा कबूतर है, इसे हाथ में पकड़ के देखने का अजीब सा मजा है, एक अजीब सी जो है ना वो फीलिंग है। बहुत अच्छा कबूतर, हड्डी पर कुंजे के हवाले से क्लास है। ये देखिए पहले कबूतर देख ले कितना बड़ा है, आंख का बाद में शौक करवा दो। ये देखिए माशा माशाल्लाह क्या बात है। इसको ये पल्ला भी देखिए ये दोस्तों लाजवाब परिंदा, इसमें कोई शक नहीं जी, बहुत अच्छा परिंदा। इमरान भाई के सभी कबूतर बड़े शानदार मेंटेन, लेकिन ये वाला कबूतर तो आउट क्लास है, इसकी क्लास ही कुछ और है। ये देखिए
जनरली इसकी क्लास कोई और है। एक दो बांके में दिखा दें। सब के परिंदे ले जी, बांका भी आ गया। इमरान भाई, इन परिंदों के बारे में क्या ख्याल है? ये ठीक है माशाल्लाह, रिजल्ट इनका ठीक है भाई। ये जरा लाल आंख में ज्यादा मजेदार और रिजल्ट के लिए। समझदार बड़े हैं, वापसी इनकी बड़ी अच्छी है। इन पे मेहनत तो नहीं करनी पड़ती? नहीं, थोड़ी सी है इन पे मेहनत। ये देखिए, ये परिंदा प्योरिटी में, ये प्योरिटी में है, इसमें कोई कोई क्रॉसिंग 1% भी नहीं है। अच्छा, जो ए प्लस बांके कबूतर है, किस क्वालिटी में होते हैं? वजूद, हड्डी और रंग उनका क्या होता है? जो अगर तब्दील भी करें तो कहाँ तक तब्दीली आ सकती है? बांकों के मुतालिक थोड़ा सा। बांके कबूतरों में जो सबसे मेन चीज है ना, उनकी आंख और उनकी गर्दन का कलर, वो उनका ना बैंगनी करना, बैंगनी करना। हाँ, ये देखे ना, ये आप क्रॉस में भी एक दो में ले जाते हैं ना, तो ये अपना शेड नहीं छोड़ेंगे। ये शेड नहीं छोड़ेंगे, शेड नहीं छोड़ेंगे। ये ऊपर छाप भी लेके आते हैं कि नहीं लेके? नहीं, छाप देखे, ये बड़ी एज में कबूतर है, छाप नहीं ऊपर इसकी कोई नहीं, ऐसे ही है बस। जो वो भी एज फैक्टर में, अगर ये यंग होते हैं तो ये साफ होते हैं, लेकिन सिलाई का आ जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, आई जाती होती है। कोई काली सिलाई आ जाती है, जैसे इसमें भी आई है, तीन बारिश के वो है, बाकी दो में लगोट भी वाइट आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बांके हर हाई फ्लायर हर में, आप किस बात से इत्तेफाक करते हैं? हर घर में नहीं, हर नस्ल में? नहीं, नहीं, कैसे बांके हर नस्ल में कैसे आ गए? जब इनका कलर क्रॉस जब करें, क्रॉस करने पर देखें बात ही होती है। ये तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये अगर वो कहेंगे हर नस्ल में, फिरोजपुरी कबूतरों का आप कह सकते हैं कि वो कबूतर पुराने। अच्छा, ये मामे पुपी के नहीं है दोनों, फिरोजपुरी और बांके? ये देखे थी कोई गैस कबूतरों का पारा है इनमें, बांकों में तो मामे पुपों के बाद ये है कि आप कह ही सकते हैं, लेकिन कोई रियलिटी में देखें जी, आंख में क्या फर्क है दोनों में, बांकों के फिरोजपुरियों की आयुष में? अगर फिरोजपुरियों की बात कीजिए तो फिरोजपुरी वजूद छोटा होता है, ज्यादा बड़े कबूतर नहीं होते, जैसे कमगर हो गए, मामदीन हो गए, उन कबूतरों में, उन कबूतरों का वजूद जो है ना, वो दरमियाना वजूद है जी, फिरोजपुरियों का दरमियाना। हाँ जी, दरमियाना वजूद है। फिर सबसे बड़ी चीज है वो वेटलेस कबूतर है, वेटलेस, वेट नहीं उस कबूतर पे आएगा, वो फिरोजपुरी, हाँ वो फिरोजपुरी वेट नहीं होगा, पारी पार होंगे उस पे, और दूसरी तीसरी फड़क वो अच्छी निकालेगा, यानी कि वेट उस पे, अगर वेट आ गया ना कमगर कबूतर पे, टैडी कबूतर पे, फिरोजपुरी कबूतर पे, तो वो समझे वो ना वो फिरोजपुरी है ना वो कमगर है ना वो टैडी है, वेटलेस होना जरूरी है, कबूतर का होना पड़ा हमें, कुछ टैडियों का भी शौक है। एज में कबूतर है ये, देख लें आपके सामने। हाँ जी, ना नकोड़ा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं, एज में कबूतर जो ना वो नहीं। रहु भाई, दोबारा देखनी पड़ेगी आपको।
भी जिनकी परवाजी छत है ऐसे ही उड़ाते भी हैं। ये जी टैडी मरान मरान भी, ये कौन से वाले टैडी? ये चौसा वाले टैडी हैं। ले जी चौसा वाले कबूतरों का भी शौक हो गया आगे। ये अच्छा मरान भाई, जो चौसा वाले कबूतर अगर इन्हें क्रॉस करे तो अच्छा क्रॉस किन कबूतरों में रहे? ये कमगरों में भी चलते हैं, गोल्डरों में भी चलते हैं, लाल आंख के कबूतरों में भी बड़े अच्छे चलते हैं। ये मियां साहब वाले कबूतरों में बड़े अच्छे चलते हैं। ये वाले? हाँ जी, देखें वो भी ब्लड लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये भी ब्लड लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता, कलर भी अच्छे हो जाते हैं आगे से। आपने तो चोई साहब के पास बिल्कुल घर इधर जब था बड़ा वक्त गुजारा होगा, तो क्या उनका कभी मियां साहब के साथ अच्छा ताल्लुक था? मिस्त्रियों के साथ तो जी उनका बड़ा अच्छा तलक था, मिस्त्रियों के साथ तो देखें जी उनका बहुत अच्छा तलक। हाँ जी वो तो था। हाँ जी ये देखें, माशाल्लाह ये कौन से हैं जी, क्या नंबर होगा इनका? बस नंबर, आप नंबर वाली बात तो देखें जी कुछ भी नहीं है, काबकों के नंबर हैं, बाकी आप जिसमें मर्जी लगाते जाए, काबकों के नंबरों वाली सारी गेम है, बाकी बहस हर जितनी मर्जी कर, जितनी मर्जी कर लो, हर साल बाद दो साल बाद कबूतर अपने काबक चेंज कर देता है। वही 10 नंबर कबूतर का जोड़ा किसी और में चला गया ना, तो वो उधर का जो नंबर लगा उसी 10 के बच्चों को वो नंबर लग वही लग जाए, और इधर कोई नया आ गया तो उसके बच्चों को 10 लग जाएगा। बस समझा जी, बस ये बात है, ये देखिए बाकी और कोई इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, बाकी हमने तो जो देखा है वो यही है रियलिटी। इसमें भी दो तरह के कबूतर है, जो सब कुछ की चूचे जो है ना वो सफेदी, वो भी आपको ना भी वो भी आती है, तो इनमें से काली चूच वाले ज्यादा बेस्ट है क्या सफेदी वाले, कि दोनों ही बेस्ट हैं? आप क्या कहते हैं तजर्बा? मैं पुराने कबूतर ज्यादा बेस्ट है, काली चूच वाले। हाँ काली चूच वाले जो कच्ची नोक वाले हल्की सी जो वो ज्यादा अच्छे, हमने ज्यादा परफॉर्मर वही कबूतर देखे हैं। अब नए का तो हमें तजर्बा इतना नहीं है, क्योंकि वो हमने अभी अपने पास, बाकी उनकी खड़त बढ़त कलर शलर बड़े खूबसूरत हैं। अब ये पुराने हो गए कबूतर। हाँ जी देखा जी, हमें तो ये पता है कि चौसा वाले कबूतरों में ये पार बड़े कीमती है, ये वाला पार, ये जो ग्रे पार है ना ये जरूर आता है, जैसा वाला कोई भी कबूतर होगा ना, वो जोंसरा भी होगा ना, तो उसमें ये वाले पार 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, ये ग्रे पार जो होता है ना ये जरूर आ रहा होता है। खड़त बड़त इनकी बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी बिल्कुल ऐसी है, खड़ी है ठीक है। ब्रांड भी उधर से हमें काला कबूतर दिखा जो मुझे लास्ट में आपने काला दिखाया, ये कबूतर कलर देखिए पहले इसका, ऊपर बटेरा नहीं छत वाला जो है, असला बड़ा छोटा ना उसका बेटा भी है, बड़ा पकड़ के ला ये Allah.
क्या बात है जी दोस्तों, इस कबूतर इमरान भाई से मैंने इस कबूतर के वाले से एक रिक्वेस्ट किया है, किसी एक मादीन के पास पड़ी है, बहुत बड़ी मादी, उसका भी शौक करवा दो तामड़ों में से। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो ये जोड़ा लगाए, ये देखिए मुझे ये रंग ना, मेरा ना पसंदीदा रंगों में से एक रंग है, लेकिन इस कबूतर ने ना आज मजबूर किया है मुझे जो ना वो बार बार इस कबूतर को देखने पे। ये माशाल्लाह क्लास है इस कबूतर की दोस्तों, पल्ला पर पुर्जा क्लास इस कबूतर की माशाल्लाह। इसके साथ जरा मादियों में दिखाई पहले, बाकी ये कबूतर बाद में दिखाई, वो तामड़ी पकड़ना, तामड़ी जरा पकड़ हाँ, ये बाद में दिखाते हैं। ब्रांड भी एक कबूतर इसके अलावा आपने ना और हमें दिखाना है, वो जो है आपके पास कौन से शेख वाले, इमरान भाई के पास सियालकोटी कबूतर भी बड़े अच्छे, बड़े अच्छे कबूतर हैं। जी जी वो मादी है, पहले जो नर दिखाया था। ये देखिए माशाल्लाह, ओके जी पर दिखाया, ये देखिए जंगली वाला कलर है इसका। रान भाई ने तामड़े कहते हैं जी, तामड़ों जी, तामड़े हैं ये, तामड़े लाखे भी होते हैं, इनमें से लाल भी निकलते हैं, ये देखे ना पार में अच्छी पार नजर आ रहे हैं ना, तो ये लाल भी निकालते हैं ये देखे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इसे ये देखिए बटेराइज और कमाल कबूतर, बड़ा काले मोल पकड़ छापदार ने चेहरा, ये देखिए। मरान भाई इन बटेरों को किन कबूतरों में क्रॉस करना चाहिए आपके हिसाब से, अच्छी लाइन कौन सी रहेगी, टैडियों में या लाल आंखों वाले में? ये जो है ना टैडियों में भी बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे पास, और लाल आंखों में भी बड़े अच्छे चले हैं। टैडियों में ये है कि ये जब डलते हैं तो ये बटेरे टाइप बन जाते हैं, लाल आंखों में जरा जाके इनके कलर फेड हो जाते हैं, ज्यादा आंखों में गुलाबीपन ज्यादा आ जाता है। ये जी मरहूम यूनस शाह साहब वाले कबूतर है, कमांडर कबूतर इनको वो कहते थे, ये डायरेक्ट उनकी तरफ से बाई शकील के रेफरेंस से मुझे मिले हुए हैं, जो कनाडा वाले थे ना। इसको पकड़ के इसके पास तोड़े देखो, ये उसने तोड़े हैं, ये वो उसने तोड़े हैं, छोड़ दे इसके ऊपर, वो पकड़ ले, उससे ऊपर कौन सा लगा हुआ लो, वो ले इसके जरा पंजे, शकील भाई कनाडा वाले जी, कनाडा वाले उनकी अभी हैं? हो नहीं, डेथ हो गई है। इसकी मादी लेके आ, पता है इसकी मादी का, कास वाले की मादी जी, शेखो वाले अलमरूफ काले मुंह वाले। इनका क्रास किन में अच्छा रहता है? ये टैडियों में बड़े अच्छे चलते हैं, ये वाले बहुत अच्छे टैडियों में, लेकिन ये खुद भी बड़े अच्छे उड़ते हैं आपस में भी, प्योरिटी में ये आपस में बड़ा अच्छा है इनका, क्रॉस की वैसे इनको जरूरत नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, मेरे पास परफॉर्म कर रहे हैं बड़े अच्छे,
माशाल्लाह घर के पाबंद परवाजें जी अच्छी। जी माशाल्लाह अच्छी परवाज के मालिक हैं, वापसियां अच्छी हैं, गर्मी में अच्छे बैठते हैं, कोई इनमें हड्डी शड्डी इनकी बहुत अच्छी है, लंबी हड्डी के मालिक हैं सारे ये। देखिए सियालकोट के कबूतर हैं ये, सियालकोट की हवाओं के हिसाब से उनके मौसम के हिसाब से बने हुए कबूतर हैं, और हमारे टैडी और इनमें हड्डियों का बहुत फर्क है, कद काठ का बड़ा फर्क है, तो उनका कद काठ हवाओं की वजह से जरा लंबे हैं, हड्डियाँ लंबी हैं, हमारे दरमियाने हैं बंद मौसम के हिसाब से। हमारे यहाँ हवाएँ आती हैं जब कबूतरबाजों का मुकदर खराब हो जाए, उधर रूटीन में आती रहती उधर आती रहती है। जारी बात है कबूतर दुम का लंबा होगा, हड्डी का लंबा होगा तो वो और मसला होगा उसका, अगर छोटा है तो फिर और होगा। ऊपर भी जोड़े लगे हुए ऊपर ही है वो तो। ये भी काले मुंह वाले, ये भी काले, ये देखिए। ये भी शकील भाई वाले नहीं, ये जो है ना मेरे दोस्त हैं नुमान मीर, प्रोफेसर इम्तियाज साहब वाले कबूतर हैं। अच्छा अच्छा, ये उधर से आए हुए हैं माशाल्लाह, बिल्कुल प्योरिटी के कबूतर हैं इनमें, बहुत अच्छा कबूतर है, कोई कबूतरों में अच्छा, क्रॉस नहीं अच्छा। है कोई वो नहीं है, इसकी क्लास ही और है। इधर अभी ये यंग है, अभी इसने पहले बच्चे निकालने हैं, इसकी क्लास ही और है। देखे ना कैसे छापे छापे लाली इसकी कैसे प्रोमिनेंट हो गई है, इसकी क्लास ही और है जी माशाल्लाह, कमाल है कमाल माशाल्लाह। ऊपर वाले के नीचे वाले की मादी लेके आओ, इसकी मादी को तो नहीं पार खराब की है, जी वकास वान साहब हो रहे हैं। सुमेर भाई क्या हाल है जी, वकास भाई बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं, दिखा रहे हैं अभी आप, मेरे कुछ लाखों का शौक है। ये किनने से, ये ननकाने वाले लाखे हैं, ये आपने उसे कैसा कर दिया, कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं ये बताएं मुझे। बाप मैंने कहा जरा इनकी आंखें जरा डार्क करके भी देखते हैं क्या करते हैं। ये किन में किए हैं डार्क? जी मैंने क्रॉस करवाई है सियालकोटिया में। वाह जी दोस्तों क्लास देखिए इमरान भाई की, बाद में दिखाता हूँ आंख, कबूतर है लाखा और इमरान भाई ने तरतीब क्या दी है इसे, बाद में दिखाते इमरान भाई पर जरा ये देखिए माशाल्लाह, दिखाएं जरा इसकी आंख, क्या रिजल्ट रहा इसका क्रॉप करने? बहुत अच्छा जी रिजल्ट इसका, हाँ जी एक मिनट बताओ इधर आओ, नहीं ठीक तो रहने दो, ओ उसने खोल दिए थे, रहने दो नीचे बंद कर दो फिर। ये देखिए सियालकोटी लाखा ज
जा फिर छोटू ला ये जो असल ये है बिल्कुल बगैर किसी क्रॉस के तो क्रॉस के जी सुमेर भाई थैंक यू अच्छा ये लाख ननकाने वाले जी जी ये ननकाने किसके घर से आए मैं के? ये आए हैं राय शौकत अच्छा राय शौकत वाले जी जैन जट साहब लव यू ब्रदर ये देखें जी माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह वाह माशाल्लाह ये देखिए क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह क्लास ओके ले जी ये कबूतर ले दो तीन दिन चार दिन पांच दिन लाइव आएंगे तब भी नहीं खत्म होंगे माशाल्लाह शुक्रिया सर थैंक यू प्रिया शुक्रिया लें जी दोस्तों अब दें इजाज़त फ़ीमान अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा।